हे गाइस वेलकम अगेन। तो आज हम लोग जान लेते हैं ECNR के बारे में। ECNR क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग पासपोर्ट का फॉर्म भरते होगे तो कि नॉन ECR आता है, तो इस नॉन ECR का मेन मतलब ही क्या है? तो काफ़ी दिक्कत आती है। सिंपल भाषा में मैं आप लोग को समझाऊँ तो नॉन ECR का मतलब कि जो लोग जैसे इलिटरेट होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो लोग उसको नो करते हैं, और जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो लोग उसे यस करते हैं। तो यस करने की सच्चता कितने तक है? तो वो है आपकी 10th। अगर आप 10th किए हो और 10th से ऊपर पढ़े हो, जैसे 10th, 12th या फिर कोई भी डिग्री बैचलर, तो आप लोग नॉन ECNR को टिक करा लेना, यस। बिकॉज इससे प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या आते हैं, सबसे बड़ी बात, अगर आपका नॉन ECNR टिक नहीं रहेगा तो आपके पासपोर्ट पे पीछे लिखा रहेगा इस नॉन ECNR रिक्वायर्ड, ठीक है, या नॉन ECR रिक्वायर्ड। और अगर आप जैसे किसी भी कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हो, तो जैसे एग्जांपल में कोई भी कंट्रीज़ ले लो जहाँ पे ज़्यादा इंडियंस हैं, तो वहाँ पे आप लोग को ट्रीट बहुत देर तक किया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आपके एजुकेशन को उसमें शो नहीं रहेगा कि आप एजुकेटेड हो या नहीं हो, तो वो लोग आपसे पूछेंगे ताछेंगे, उसके बाद ही आपको भेजेंगे। और अगर आपका नॉन ECNR टिक रहेगा पहले से ही, तो वो लोग जान जाएंगे कि हाँ पढ़े लिखे हो, तो वो उतने नहीं करेंगे, बेसिकली उसका कोई यूज़ नहीं है, अगर टिक रहे चाहे ना रहे, बस ये है कि टाइम वेस्टिंग नहीं होगी, इमिग्रेशन नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इमिग्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, यस नो वाला इमिग्रेशन होगा, वैसे आपका इमिग्रेशन अच्छे से होगा। अब इसके बारे में क्या कैसे होगा अगर पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, बस यही है मतलब। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नॉन ECNR को टिक करा लेना, यस, ठीक है। गलती आज से मत करना अगर लोग फॉर्म आप लोग भर ले हो तो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती होगी तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका समाधान कर देंगे, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID पर भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।